हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11th के सब्जेक्ट इंग्लिश का वार्षिक पेपर, ईयरली पेपर, और जो कि सब्जेक्ट रहने वाला है आपका इंग्लिश का। इस इंग्लिश के पेपर में सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, ना ही किसी क्वेश्चन को आपने स्किप करना है। तो देर ना कर तो ले चलता सीधा आपको क्वेश्चंस पेपर पर, और इसका आप लोगों को बहुत जल्दी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच पाए। और एक चीज और कि इसके अलावा मैं आप लोगों को इंग्लिश पेपर जो आप ये पेपर देख रहे हैं, इसके अलावा टॉप 30 क्वेश्चंस भी आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप, इसको मैं पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा इसका लिंक, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कहीं पे भी कोई पे भी डाउट कुछ भी डाउट रह जाए इस क्वेश्चन पेपर में या इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, क्लास 11, सेक्शन ए रीडिंग, और टाइम जो आपका रहने वाला है 3 घंटे का रहने वाला है। तो आराम से आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ग्रामर सेक्शन बहुत ही ईजी है अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला आपका रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको सिंपली क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है। तो वीडियो रोक करके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं या फिर पेपर डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके आप नीचे जो क्वेश्चंस पूछे जाए गए हैं उनका आप आंसर दीजिएगा। तो जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, वो है स्टेट द फैक्टर्स दैट कैन हेल्प यंग पीपल डिसाइड दियर करियर। बी नंबर आपका व्हाट लीड्स टू डिसइल्यूमेंट एंड अनहैप्पीनेस अमंग यंग पीपल। सी नंबर आपका व्हाट इज द राइट टाइम टू मेक अ करियर चॉइस एंड व्हाई। डी आपका व्हाई आर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट व्हाइल चूजिंग अ करियर। तो चारों क्वेश्चन देख लिया आपने, इसका चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके इस पेपर में दिए गए हैं। तो एक इसमें पांचवा नंबर दे रखा है ई नंबर करके, बोला फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग। गाइडेंस का आपको पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा है, पैराग्राफ फर्स्ट में आपको ये गाइडेंस का आपको मिल जाएगा कि इसका मीन क्या है, और दूसरा है एस्पायर, पैराग्राफ सेकंड में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें जो पीडीएफ है थोड़ी सी ठीक से नहीं बन पाई है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपने अच्छे नंबर लाने हैं तो इतना भी आपके लिए काफी है कि आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। तो ऐसे ही आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है, आप स्क्रीन वीडियो को रोक करके, और थोड़े से आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और उसके बाद इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िएगा, और नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ। ए नंबर आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग्स ऑफ योर ऑफ द एबव पैसेज मेक नोट्स ऑन द यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जर्वेशन वेन एवर नेसेसरी। बी नंबर आपका मेक अ समरी ऑफ द एबव पैसेज। देखो आपको क्या बनाने हैं, हेडिंग और सब हेडिंग बनाने हैं। बी नंबर आपका मेक अ समरी ऑफ द एबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स यूजिंग द नोट्स मेड एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। एक टाइटल देना है और इस पर आपने क्या बनाना है, एक समरी लिखनी है पूरे इस पूरे पैराग्राफ को, और शॉर्ट करके आपने स्टोरी बना देनी है कंप्लीट। उसके चलते हैं आपके सेक्शन बी, जो कि आपका ग्रामर का सेक्शन रहने वाला है। इसमें जो फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेक्शन में, राइटिंग में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी थर्ड है जो आपका पेपर का। इसमें बोला है दिस समर वेकेशन यू आर प्लानिंग टू विजिट शिमला, राइट अ लेटर टू अ ट्रेवल एजेंसी इन शिमला रिक्वेस्टिंग देम टू बुक योर रूम इन अ 5-स्टार होटल। यानी आप इस समर वेकेशन, ठीक है, समर जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली है उसमें आप शिमला घूमने के लिए आप प्लान बना रहे हैं, और आपने एक पत्र लिखना है एक ट्रेवल एजेंसी को जो कि शिमला में, रिक्वेस्टिंग देम मतलब उनको रिक्वेस्ट करते हुए आपने एक उनको बोलना है कि आप उनका वो आपके लिए 5-स्टार एक रूम बुक कर दें। गिव अदर डिटेल्स ऑफ योर जर्नी एंड द फैकल्टीज यू रिक्वायर देयर। और आप अपनी पूरी उसमें डिटेल बताइए आपको क्या क्या चाहिए आपके रूम में। उसका एक बोला है साइन योर नेम्स एज लीला मोहन। तो आपने लास्ट में जो आपने आपका नाम लिखना है, अगर आप लड़की हैं तो लीला और लड़के हैं तो मोहन, और जो आपने एड्रेस डालना है C/5 सी ब्लॉक हरिद्वार। तो ये आपका एक लेटर लिखने के लिए आया है, तो लेटर को आप समझ गए होंगे, और बाकी इसका सॉल्यूशन पूरे पेपर का बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को। बस जब भी आप इस वीडियो को देखें डिस्क्रिप्शन जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और यानी अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आपको अथवा में दूसरा एक आपको दिया हुआ है। इसमें कहा है यू आर निखिल निशा स्टेइंग एट 53 लाल बाजार अल्मोड़ा। आप निखिल या निशा हैं और लाल बाजार जो 53 लाल बाजार में आप रहते हैं अल्मोड़ा में। लास्ट समर यू बॉट अ कलर टेलीविजन फ्रॉम द क्लियर विजन। पिछले गर्मियों में आपने एक टीवी खरीदा था क्लियर विजन का,
हल्द्वानी से विथ अ वारंटी ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल की गारंटी आपको मिली थी। नाउ यू डिस्कवर दैट द पिक्चर गेट्स ब्लर्ड एवरी नाउ एंड देन, और अब जो आपकी जो स्क्रीन है वो ठीक से क्या हो जा रही है, मतलब ठीक से काम नहीं कर रही है, ब्लर हो जा रही है। इवन द साउंड हैज बिकम डिफेक्टिव, और जो आवाज आ रही है उसमें से वो भी ठीक से नहीं आ रही है। राइट अ लेटर टू द डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट द डिफेक्ट रेक्टिफाइड। और आपने जिससे आपने ये ली थी टीवी, कलर टीवी ली थी, उस डीलर से कंप्लेन करिए और उसको बताइए कि आपकी जो जो समस्या है, ऑल रिक्वेस्ट हिम टू रिप्लेस इट, और सारी समस्या को जो भी उसमें है उसको क्या कर दे, वो सही कर दे इफ नीडेड अगेंस्ट द वारंटी दैट गोज विथ इट। और जो भी आपको गारंटी वगैरह दी गई थी वो भी आपने उसको बतानी है। तो दोनों आपने समझ लिए, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यू आर अदिति आदित्य, सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज डोईवाला देहरादून। यू आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। तो आप अपने स्कूल कॉलेज में डोईवाला, जो कि देहरादून में है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, पूरा आपको एड्रेस दे रखा है, तो आप क्या कर रहे हैं, या प्लानिंग कर रहे हैं कल्चरल प्रोग्राम कराने की, और आपने क्या बनाना है, एक नोटिस बनाना है इस बच्चों के लिए, आपके स्कूलों के लिए, कि उसमें कौन कौन किस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है। या फिर आपको अथवा में दूसरा एक दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। यू आर रमेश रीना, स्कूल कैप्टन, GIC मंदार, टिहरी गढ़वाल। और आप GIC, आपका नाम क्या है, रमेश रीना है, और आप क्या है, स्कूल कैप्टन है GIC मंदार टिहरी गढ़वाल में। योर स्कूल इज ओपनिंग आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ COVID-19 लॉकडाउन, यानी आपका जो स्कूल है वो COVID-19 के जो छुट्टियां थी काफी टाइम बाद वो खुल रहा है। उसके आगे पढ़ लेते हैं। राइट अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स इन्फॉर्मिंग दैट अबाउट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू बी ऑब्जर्व इन द स्कूल। तो उसके बारे में आपने अपने स्कूल के बच्चों को बताना है, एक नोटिस तैयार करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द वर्ड्स बिलो, रीऑर्डर देम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको यहाँ पे 4 वाक्य दिए हुए हैं, चारों वाक्य को आपने क्या करना है, एक इस तरह से सेट करना है जिसका कुछ अर्थ निकल करके आए। तो पहला आप देख रहे हैं, इट इज लाइफ वी वट मेक। दूसरा आपका, एज ऑफ एट 5 ईयर्स चाइल्ड नॉट मच डज अंडरस्टैंड द। तीसरा है आपका सी नंबर, डेड ग्रैंड मदर वीक लास्ट हिज। चौथा है आपका, इट लाइक्स ही मोर एप्पल बनाना देन टू। तो ये आपको वर्ड्स जो है आगे पीछे करके दिए हुए हैं, इनका आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ब्स दिए हैं, इनकी सही फॉर्म आपने यूज करनी है। मैंने आप लोगों को क्लास 10th में भी अच्छे से बताया था, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो टेंशन फ्री रही है, बस आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप आंसर अच्छे से अभी से याद कर लीजिए, नहीं मिलता तो बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। अब आपने एप्रोप्रिएट एडवर्ब का यूज करना है। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया, आई विश आई क्लाउड फ्लाई स्विफ्ट। तो इस तरह से आपने इसमें क्या करना है, एडवर्ब का यूज करना है। एडवर्ब में आपको लास्ट क्लास 10th में बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से आ चुका है। इसमें बोला है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे एक स्टेंजा दिया है, यानी एक पोयम का आपको पार्ट दे रखा है, देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, ठीक है। तो इस स्टेंजा को आपने पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपने बताने हैं। तो पहला है आपका, नेम द पोएम एंड द पोएट, आपने कविता था कविता का नाम बताना है। बी आपका, हु इज शी इन द सेकंड लाइन, दूसरी लाइन में शी यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है वो आपने बताना है। और इसमें सी नंबर है, व्हाट डज मशीन रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपने इसका आंसर बताना है, पहला आपका 2 नंबर का पोएम और पोएट, उसके बाद एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो टोटल आपके 4 नंबर आपसे आराम से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के और मैं आपको दे रखा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, तो ये आपने बतानी है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए, पहला है, वट डज द कार्डबोर्ड हेयर रेफर टू, यानी कार्डबोर्ड किसके लिए रेफर किया गया है। बी नंबर आपका, नेम द पोएम एंड द पोएट, कविता था कविता का नाम लिखना है। सी आपका, हु इज द बिग गर्ल मेंशन्ड हेयर, यहाँ पे बिग गर्ल कौन है उसका नाम आपने बताना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके, 3 मतलब 4 दे रखे, 4 में से कोई आपने 3 करने हैं, 30 से 40 शब्दों में आपने उसका उत्तर
लिखना है। पहला ए नंबर आपका, व्हाट डज द रेन डू टू द अर्थ। बी आपका, वेयर डज द पोएट थिंक दैट हिज चाइल्डहुड इज हिडन। सी है, टू व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच कंपेयर्ड। डी है आपका, हाउ इज द ट्री ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द बर्ड्स विजिट। क्लियर है। उसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, जो कि आपके 10 नंबर के हैं, यानी पांच क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टोटल आपको दिए कितने हैं, छह क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला है आपका, व्हाई वाज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट द ग्रैंड मदर वाज वन यंग एंड प्रिटी। बी आपका, हाउ डिड द नरेटर गेट बैक टू द शिप आफ्टर हैविंग बीन थ्रोन इनटू द सी। ठीक है, आपने पूरी सारी स्टोरी अच्छे से पढ़ रखी होगी तो आप इसका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। मेनली देखो इंग्लिश का क्या होता है, आपको स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में है क्या क्या स्टोरी थी, क्या क्या हुआ था उसके अंदर। अगर आपको ये पता है तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप इजिली बना करके लिख सकते हैं। सी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज एंड यूरोपियन आर्ट, यूरोपियन आर्ट। ठीक है। डी आपका, हु वाज हॉवर्ड हॉवर्ड कार्टर, व्हाट डिड ही फाइंड। फिफ्थ है आपका, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो ग्रैंड मदर ने किस तरह से सेलिब्रेट किया था जब ऑथर रिटर्न आए थे कहां से, अब्रॉड से। लास्ट है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट। ठीक है, आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट। तो इसको आपने डीपली अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी पोयम है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 शब्दों के बीच में आपने आंसर लिखना है। इसमें क्वेश्चन जो बोला है, व्हाट व्हाट प्रिपरेशन डिड द राइटर एंड हिज वाइफ मेक फॉर द अराउंड द वर्ल्ड वॉयज। ठीक है, वॉयज। और अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाले का आंसर लिख सकते हैं, व्हाट आर द थ्री पेसेज ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पे आपको 80 से 100 शब्दों में आंसर लिखना है। तो पहला है आपका इसमें, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिसमेंट दैट फॉलोज वार। और आपको दिया है, डिस्क्राइब द नरेटर सेकेंड विजिट टू मिस्टर डॉर्लिंग्स प्लेसेस। ठीक है, तो इन दोनों में से जिसका आंसर आपको आता है वो आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 6 नंबर में यहाँ पे आपको कितने करने हैं, 2 क्वेश्चन, यानी 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पे। पहला आपका, वाई वॉज रंगाज होम कमिंग अ ग्रेट इवेंट। बी आपका, हाउ डिड अराम जस्टिफाई द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स। सी आपका, वाई डिड एल्बर्ट सी नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों आपके पेपर में, और इस पूरे पेपर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कहीं पे भी कोई भी चीज अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपको इस पेपर के अलावा आपको सारे पेपर कराऊंगा, प्लस टॉप 30 क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा सारे सब्जेक्ट के। तो टेंशन फ्री होकर के जितना अभी आपको करा रहा हूँ उतना बस अच्छे से कवर कर लीजिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती। नेक्स्ट वीडियो आती है आप उस पेपर को लग जाइए करने के लिए। तो अगेन एक बार आप सभी को बेस्ट विशेस आपके ईयरली एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।